ओके, स्क्रीन विजिबल है सबको? नो मैम। सीरियसली नहीं यस है? मैम। मैम हाँ आ आ गई गया हूँ। मैम, ओके ठीक है। आ गई हूँ। सर्विस मार्केटिंग का थर्ड यूनिट करना था हम लोगों ने, इसके नोट्स भी मैंने डाले हैं ग्रुप के अंदर, एक बार गो थ्रू करना उसको। हमारा यूनिट 3 में रहने वाला है इंटीग्रेटेड सर्विस मार्केट का कम्युनिकेशन। ठीक है, हम लोग एक न्यू कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। इसके अलावा प्राइसिंग ऑफ सर्विसेज, कि आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हो उसका प्राइस कैसे सेट किया जाता है। देन सर्विस इनोवेशन एंड डिजाइन, कि हमारी जो सर्विस है उसका इनोवेशन कैसे होता है, उसका डिजाइन किस तरीके से सेट किया जाता है। फिजिकल एविडेंसेस, मैनेजिंग डिमांड एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ये सब चीजें आपका यूनिट 3 में रहने वाला है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन क्या होता है। ये कम्युनिकेशन टाइप होता है, बेसिकली एक कंपनी जब अपने प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपर डायरेक्ट इंफॉर्मेशन अपने फाइनल कंज्यूमर तक पहुंचाती है, उस टाइम पे ये सिस्टम यूज किया जाता है, इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। बहुत सारे डिफरेंट कम्युनिकेशन वेज को इकट्ठा करके जब सिर्फ एक पार्टिकुलर मोटिव से हम लोग यूज करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को नॉलेज हो जाए, दैट इज इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? क्या ये सबको क्लियर है? अंजुम ठीक है, इट इज एसेंशियल फॉर ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द ब्रांड्स वेल अमंग द एंड यूजर, नॉट ओनली टू आउटशाइन कॉम्पिटिटर बट ऑल्सो टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग रन। जब हमारी ऑर्गेनाइजेशन प्रमोशन करती है अपने ब्रांड की, किस लिए? ताकि एंड यूजर को आइडिया हो हमारे प्रोडक्ट का, कॉम्पिटिटर को हम बीट कर सकें और अपने बिजनेस को लॉन्ग रन के लिए चला सके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड कम्युनिकेशन इज एन इनिशिएटिव टेकन बाय ऑर्गेनाइजेशन टू मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विस पॉपुलर अमंग द एंड यूजर। ब्रांड कम्युनिकेशन एक इनिशिएटिव है जो ऑर्गेनाइजेशन लेती है टू टू मेक द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पॉपुलर। ठीक है, जब अपने प्रोडक्ट या फिर किसी सर्विस को पॉपुलर बनाने के लिए हम लोग इनिशिएटिव करते हैं, दैट इज ब्रांड कम्युनिकेशन। ब्रांड कम्युनिकेशन गोज लॉन्ग वे इन प्रमोटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस अमंग टारगेट कस्टमर। ठीक है, टारगेट कस्टमर तक अपने ब्रांड कम्युनिकेशन को पहुंचाने के लिए हम इसे यूज करते हैं। द प्रोसेस इन्वॉल्व आइडेंटिफाइंग इंडिविजुअल्स हु आर बेस्ट सुटेबल टू परचेज आर प्रोडक्ट और सर्विस। इसका जो प्रोसेस है उसमें सबसे पहले हम ऐसे लोगों को ढूंढते हैं जो हमारे प्रोडक्ट के लिए बेस्ट सुटेबल कस्टमर होंगे। ठीक है, हमारे टारगेट ऑडियंस होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुमेन क्लोथिंग सेल आउट कर रही हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? अगर मैं वुमेन क्लोथिंग सेल आउट कर रही हूँ तो मेरी टारगेट ऑडियंस क्या होगी? कौन बताएगा? मैम वुमन। बिल्कुल, तो मुझे अपने प्रोडक्ट और सर्विस के हिसाब से पता होना चाहिए कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन है। ठीक है, अब हम क्या क्या चीजें यूज कर सकते हैं टू प्रमोट आवर प्रोडक्ट? सबसे पहले है एडवर्टाइजिंग, सेकेंड इज सेल्स प्रमोशन, जब आप सेल्स के थ्रू प्रमोट करते हैं। थर्ड इज पब्लिक रिलेशन, जब आप लोगों के साथ अपना रिलेशनशिप बिल्ड करते हो। डायरेक्ट मार्केटिंग, डायरेक्टली आप डोर टू डोर सेलिंग कर रहे हो। पर्सनल सेलिंग, आपने सेल्समैन रखे हुए हैं और सोशल मीडिया के थ्रू। ठीक है, ये बहुत सारे तरीके हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के। ओके, अब बारी आती है कि जो इंटीग्रेटेड कम्युनिकेशन है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं। सबसे पहले है द फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब होता है एक ऐसी स्टेज जहां पर आप इनोवेट करते हो। ठीक है, मेनली अपने टारगेट मार्केट के बारे में पता करते हो और अपने प्रोडक्ट को एनालाइज करते हो। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने पहले भी कई बार एग्जाम्पल दिया है, अगर सूट सेल आउट करने हैं तो मैं सूट्स को साउथ इंडिया में सेल नहीं कर सकती। मेरा जो प्रोडक्ट है वो सूट है और जो टारगेट ऑडियंस है वो क्या होगी? टारगेट ऑडियंस विल बी नॉर्थ इंडिया, क्योंकि साउथ इंडिया के अंदर साड़ी ज्यादा डाली जाती है। ठीक है, नॉर्थ इंडिया के अंदर सूट चलेंगे। अगर मैं सूट को साउथ इंडिया में बेचने चली जाऊँ, ऑब्वियसली मेरा लॉस है, मेरी टारगेट मार्केट वो है ही नहीं जहां पर मैं अपने प्रोडक्ट को बेचने की कोशिश कर रही हूँ।
तो फाउंडेशन क्या होता है, फाउंडेशन इज जब मैं एनालाइज करती हूँ मेरे प्रोडक्ट को, उस हिसाब से मैं अपनी टारगेट मार्केट और टारगेट ऑडियंस को देखती हूँ, ठीक है। सेकेंड इज कॉर्पोरेट कल्चर। कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, किसी ने सुना है, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्पोरेट? कॉर्पोरेट क्या होता है? एनीबडी हैव एनी आइडिया अबाउट कॉर्पोरेट वर्ल्ड? नो वन? ऑलराइट, कॉर्पोरेट इज रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, ठीक है। जो इंडस्ट्रीज होती हैं हम कॉर्पोरेट सेक्टर बोल देते हैं। तो कॉर्पोरेट कल्चर क्या होता है, हमारी इंडस्ट्री में हमारे जितने भी ये बिजनेस सेक्टर है इसके अंदर क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, उस हिसाब से भी हम अपने प्रोडक्ट प्रमोशन करते हैं। नेक्स्ट इज ब्रांड फोकस। अगर मैं अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही हूँ तो मेरा मेन टारगेट ये होना चाहिए कि लोगों को मेरे ब्रांड के बारे में पता चले, मेरा ब्रांड इतना फेमस हो लोगों के बीच में कि अगर वो उस जिस प्रोडक्ट में मैं डील कर रही हूँ उस प्रोडक्ट को खरीदने जा रहे हैं तो वो किसी और प्रोडक्ट को देख ही नहीं रहे, ठीक है। अगर मैं चॉकलेट सेल आउट कर रही हूँ तो मेरा ब्रांड इतना पॉपुलर होना चाहिए कि अगर चॉकलेट की बात आए तो सबसे पहले मेरे प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इज कंज्यूमर एक्सपीरियंस। कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज हमारा जो कस्टमर है उसका जो एक्सपीरियंस हमारे साथ रहा है, हमारे प्रोडक्ट के साथ रहा है, उसकी नॉलेज हमें होनी चाहिए, ठीक है। अब मेरी जो चॉकलेट्स है, मैं चॉकलेट का बिजनेस कर रही हूँ, मैंने आप तीनों को अपनी चॉकलेट सेल आउट करी है, तो आप लोग मुझे बता सकते हो कि आप लोगों को मेरी चॉकलेट में कौन सी चीज़ें पसंद हैं और कौन सी चीज़ें नहीं पसंद है। कस्टमर का एक्सपीरियंस मेरे लिए एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज मेरा प्रोडक्ट जो है मेनली बना ही कस्टमर के लिए। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड है देन वेल एंड गुड, अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है देन आई हैव टू वर्क हार्ड ऑन दैट, ठीक है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल इज कि मैं कौन सा तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी। वॉइस की क्लियर आ रही है, किसी को भी नहीं आ रही है? वर्षा को ही नहीं आ रही? नो मैम। मैम अब आ रही है। अभी क्लियर है? ठीक है, हाँ जी मैम। ओके, हम लोग फिफ्थ पॉइंट पे थे, कम्युनिकेशन टूल। कम्युनिकेशन टूल की अगर मैं बात करूं तो मेनली पॉइंट ये है कि मैं कौन सा तरीका यूज कर रही हूँ अपने प्रोडक्ट के नॉलेज को, अपने प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन को टारगेट कस्टमर तक पहुंचाने का। मुझे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो मैं कौन सा तरीका यूज कर रही हूँ, सोशल मीडिया, या फिर मैं पैम्फलेट से पैम्फलेट बांट रही हूँ, या फिर मैं रेडियो के थ्रू आप लोगों को तक इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ, या फिर बड़े बड़े बैनर्स के थ्रू इंफॉर्मेशन पहुंचा रही हूँ। तो मेन पॉइंट है हमारा कम्युनिकेशन टूल, मेरे प्रोडक्ट की जानकारी कस्टमर तक कौन से तरीके से पहुंच रही है। सिक्स्थ इज प्रमोशन टूल। प्रमोशन टूल इज कि मैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए कौन सा टूल यूज कर रही हूँ। पर्सनल सेलिंग कर रही हूँ, डोर टू डोर सेलिंग कर रही हूँ, या फिर एक पर्टिकुलर जगह पे मैंने अपना शोरूम बनाया है वहां पे सेल आउट कर रही हूँ, तो प्रमोशन के भी डिफरेंट तरीके होते हैं। देन इज इंटीग्रेशन टूल। इंटीग्रेशन टूल ये वो तरीका है जिसमें आप सारे के सारे, मतलब आप अपने बिजनेस और कस्टमर के रिलेशनशिप को चेक करते हैं कि हमारा रिलेशनशिप कैसा हो रहा है, स्ट्रांग हो रहा है या फिर कम हो रहा है। हमारे पास पहले बहुत सारे कस्टमर थे, अब कस्टमर कम हो गए हैं, या फिर अब हमारे कस्टमर और बढ़ गए हैं, तो वो इंटीग्रेटेड टूल के अंदर आता है जिसमें हम कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट चेक करते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट कम्युनिकेशन। अब बारी आती है प्राइस। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस? प्राइस क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज प्राइस? कितने अमाउंट में मिल रही है। द टर्म प्राइस इज नोन बाय अ वैरायटी ऑफ नेम इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हर एक सेक्टर में डिफरेंट तरीके से प्राइस को डिफाइन किया जाता है। प्राइस इज नोन एज फेयर इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर,
fees in education sector, rent in real estate, and in certain services it is known as charges. ठीक है, ये सब समझ में आया? प्राइस को हम डिफरेंट सेक्टर में डिफरेंट नाम से बुलाते हैं. अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर है तो उसमें क्या बोलते हैं? किराया, फेयर्स. अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन के लिए हम फीस पे करते हैं. रियल एस्टेट में रेंट पे किया जाता है और बाकी जगह पे चार्जेस होते हैं डिफरेंट चीजों के. ठीक है, अब अगर बात करूं प्राइसिंग की, व्हाट डू मीन बाय प्राइसिंग? प्राइसिंग इज इक्विवेलेंट टू द टोटल सर्विस ऑफरिंग. प्राइसिंग इंक्लूड्स द ब्रांड नेम, डिलीवरी एंड अदर बेनिफिट्स. अब अगर मैं किसी प्रोडक्ट का प्राइस सेट कर रही हूँ तो उसमें कितनी सारी चीजें इन्वॉल्व होंगी. मैं उसकी कॉस्ट को इन्वॉल्व कर रही हूँ, मैं अपना प्रॉफिट बीच में रख रही हूँ, पैकेजिंग का कॉस्ट बीच में आ रहा है, उसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को इंक्लूड किया जा रहा है, अगर गवर्नमेंट टैक्सेस लगा रही है तो उसके भी कुछ पैसे बीच में है. ठीक है, तो ये होता है प्राइसिंग. प्राइसिंग के अंदर छोटे 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 पार्ट्स आते हैं कि इस तरीके इन चीजों को इन्वॉल्व करके हमारी टोटल कॉस्ट निकलती है. ठीक है, कि हमारा प्रोडक्ट कितने में बेचा जाएगा. अगर मैंने कंपनी के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 3 रुपए में तैयार कर लिया है, बट मैं 3 रुपए में उसे बेचूंगी तो नहीं ना, क्योंकि उसे प्रिपेयर करने में मेरे को कॉस्ट 3 रुपीज आई है, बट उसे सेल आउट करने में मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, मेरे को गवर्नमेंट टैक्सेस भी पे करने हैं, मेरे को ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी उसमें से ही निकालने हैं. तो वो चीज बढ़ते बढ़ते वो एक चीज 10 रुपए की भी बन सकती है, 12 रुपए की भी बन सकती है. ठीक है, दिस इज कॉल्ड प्राइसिंग. प्राइसिंग समझ में आया सबको? जी मैम. सभी को क्लियर है? हिबू के अलावा पूजा एंड वर्षा एंड पूजा अब दोनों. चलो वर्षा नहीं है, पूजा क्लियर है? पूजा, am I audible to you? चलो, next is pricing of service. इससे पहले जो हमने pricing पढ़ी, that was related to a product, कि एक product को बनाने में और बेचने में कितना. अब service की pricing कैसे decide होती है? Pricing is a vital area in marketing. Price is one of the significant element in the marketing mix. It is the sole and an important element in marketing mix of a firm that brings revenue to the business. ठीक है, अच्छा अब एक चीज बताइए मेरे को. अब आपने एक रेस्टोरेंट खोला है, ठीक है, उस रेस्टोरेंट के अंदर आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप खाना वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, आप उसके चार्जेस कैसे सेट करोगे? अच्छा, किसी ने कभी नोट डाउन किया है कि अगर आप मैकडी में जाते हैं और वहीं बैठ के खाना खाते हैं उसके चार्जेस, और अगर आप वहां से ऑर्डर करके अपने घर पे बैठ के खाते हैं तो उसमें डिफरेंस होता है? किसी ने नोट किया है कभी? ऐसा क्यों होता है? चीज तो आपको वहां बैठ के भी खाने वही मिल रही है, घर पे ले जाने के लिए भी सेम चीज मिल रही है, टेस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, बट प्राइस में फर्क आ जाता है, ऐसा क्यों है? जी मैम, डिलीवरी चार्जेस. अगर आप पिकअप वाली स्कीम भी यूज कर रहे हो ना, बच्चे क्या वहां से जाके उठा लेंगे खाना, आप ऑर्डर करके वहां से लेके भी आ रहे हैं, स्टिल आपको वो चीज का फर्क पड़ता है प्राइस में. डिलीवरी चार्जेस को भी अगर हम एक तरफ रख दें, हम लोग खुद जाके वहां से ऑर्डर पिक कर रहे हैं, स्टिल चार्जेस में बहुत फर्क होता है. ऐसा क्यों होता? देयर इज अ डिफरेंस. आप वहां बैठ के खाओ और आप अपने घर लेके आओ, उस चीज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है उनके प्राइस के. ऐसा क्यों है? वो चार्जेस आपसे इसलिए लेते हैं क्योंकि अगर आप वहां बैठ के खा रहे हैं तो उन्होंने वहां पर एक प्रॉपर एनवायरनमेंट क्रिएट किया. ठीक है, मैकडी का एक प्रॉपर अच्छे से हर जगह, आप किसी भी मैकडी में चले जाइए, सेम तरीके का डिजाइन रहता है बैठने के लिए, सेम टाइप ऑफ चेयर टेबल सब कुछ सेम रहता है. वहीं अगर आप घर पे आके खा रहे हैं तो आप उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज नहीं कर रहे हैं, उनका सर्विस के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस इन्वॉल्व होते हैं अगर आप वहां बैठ के खाते हो तो, और अगर आप घर पे लाके खाते हो तो उसमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जेस इन्वॉल्व नहीं होते. ठीक है, डिफरेंस समझ में आया? जी मैम.